रायपुर पहुंचे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने राम मंदिर, उन्नाव मामला, मॉब लिंचिंग और कश्मीर समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपने बयान दिए हैं। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता कमेटी बनाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि फैसला अदालत को करना है, कमेटियों से कुछ नहीं होगा। वहीं उन्नाव मामले पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि हर तरह के गुनाह करने का पूरा मौका पार्टी ने दिया है और जब देश भर का दबाव आया तो निकाल दिया। इधर देश भर में मॉब लिंचिंग के लगातार हो रही घटनाओं पर शरद यादव ने कहा कि मॉब लिंचिंग दंगे से भी बुरी चीज है। तालिबान में कोई लिंचिंग नहीं करता है, ये धार्मिक उन्माद है। केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने राजस्थान सरकार को मॉब लिंचिंग कानून बनाने पर बधाई दी। वहीं कश्मीर मामले पर मोदी सरकार पर भी शरद यादव ने निशाना साधा। यादव ने कहा कि कश्मीर के हालात 70 वर्षों से सबसे ज्यादा खराब है। देखिए, मॉब लिंचिंग दंगे से भी बुरी चीज़ है और तालिबान में आप नहीं सुन रहे कोई मॉब लिंचिंग हो रही है। देश में 92 लोगों का, वो भी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनका मॉब लिंचिंग हो रहा है और इसमें धार्मिक उन्माद भी है। नया तरीका निकला है कि दंगे में तो यानी दंगे से ज़्यादा असर इसमें पैदा होता है, इसलिए भारत सरकार को, पूरे देश को तत्काल सख्त कानून बनाना चाहिए। और मैं राजस्थान की सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कानून बनाया, भारत सरकार ने बनाया तो बाकी राज्य सरकारों को सिलसिला शुरू